गैबल टैरेट्स। टुडे हम दिस वीडियो फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन मकर राशि के जातकों का 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय कैसा जाएगा और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से मैं जानना चाहूंगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज मुझे बताएं कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न जिनका ज़ोडिक साइन है उनका 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय कैसा जाएगा और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से मैं जानना चाहूंगी। और इसमें लास्ट में आपका लव मेट के साथ जरूर से देखती हूँ। और टुडे आई विल यूज द ओरेकल हीलिंग कार्ड्स जो कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स होते हैं, मैं उनको यूज करूंगी। और फर्स्ट मैं पहले देखूंगी कि आपका इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज हो रहा है एंजल्स की तरफ से। कि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड लवर का आया हुआ है, बहुत लव रहेगा आपका जो भी लव मेट है। लवर का कार्ड तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई तीसरा जना आकर के उसे तंग कर सकता है आपको। आप दोनों की बातें जानने की कोशिश करना, हर समय इन्वॉल्व रहना, हर समय घुसे रहना, किसी तरीके से बस वो आप दोनों की बातें जानने की पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि आपको लव ऑफ फेम तो बहुत मिलेगा, आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं किसी से प्यार हो सकता है, ये भी यहाँ पे फर्स्ट कार्ड की तरफ शो हो रहा है। लेकिन कोई तीसरा जना आकर के परेशान करेगा, तीसरा जना आकर चाहेगा कि ये दूर हो जाए अपने लव मेट से, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। लव ऑफ फेम का कार्ड है, किसी काम को लेकर आप फेमस हो सकते हैं अपने ही परिवार में या अपने ही ऑफिस में, कलीग्स में, कहीं पे भी। स्टूडेंट के लिए स्पेशली है कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी बहुत अच्छा दोस्त है जो कि आपकी पढ़ाई में यहाँ पे साथ दे सकता है, आप और आपके जो फ्रेंड है जो कोई भी, उसके बीच में कोई तीसरा जना है एंट्री दिखा रहा है, तो उसको तो अवॉइड करिएगा। और इसमें ये भी है कि लव ऑफ फेम तो आपको मिलेगा, लेकिन किसी सेल्फिश इंसान का यहाँ पे एंट्री भी दिखा रहा है। अफेयर का कार्ड है, कोई जना ऐसा है जो कि अपना मतलब निकालने के लिए आपसे केवल कांटेक्ट करेगा और अपना मतलब निकालने के बाद आप चाहे भाड़ में जाएं उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के व्यक्ति से आपको बच के रहना है, और क्योंकि सेल्फिश इंसान यहाँ पे कोई जना आएगा, कांटेक्ट करेगा आपसे, कांटेक्ट में रहेगा। और इस वक्त आपको बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, किसी चीज़ को जो है स्टबर्न हो सकते हैं आप, जैसे कि ज़िद्दीपन हो जाना कि नहीं मुझे यही चाहिए, लेकिन आप बी मैच्योर, ओके, जस्ट बी मैच्योर एंड जस्ट सी दैट वेयर यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। आपको कहाँ हैंडल करनी है मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन, उसको थोड़ा सा देखिएगा। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की यहाँ पे दिखा रहा है, किसी से बहुत हेल्प मांगेंगे तब जाके हेल्प और सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगला जना आपको बहुत सपोर्ट करे या हेल्प करे। तो ये बहुत माइंड सेट करके चलिएगा कि बहुत ज़रूरी नहीं कि अगला जना आपको हेल्प करे ही करे, क्योंकि 15 डेज के लिए आप शो भी हो रहा है कि हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन आपका जो लव मेट है उससे आप अपना संबंध अच्छे से बना के रखिए, उससे कांटेक्ट में रहिए, और अपनी और अपनी लव मेट के बीच की बात जो है किसी और को बताइएगा नहीं। अब मैं ओरेकल हीलिंग कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, इनके थ्रू जो है जैसे कि मैंने बोला एग्जैक्ट कार्ड्स हीलिंग कार्ड्स हैं, इसमें कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता, बल्कि इसमें एक्चुअली में बहुत क्लियर मैसेजेस आते हैं कि क्या एक्चुअली आपको करना है। देखिए प्रॉब्लम्स उसमें दिखा रहा है, सॉल्यूशंस भी दिखा रहा है, लेकिन इसमें हीलिंग हो रही है। अब आपको इसमें ये फॉलो करना है कि किस तरह का आपको 15 डेज के लिए चीज़ों को सुधारना है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मैसेज हो रहा है, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, बहुत अच्छा कार्ड, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, बहुत यहाँ पे रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका डेस्टिनेशन क्लियर है, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको रास्ता अगर मालूम है ना तो आप आसानी से प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो ये कार्ड यहाँ शो भी हो रहा है, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, आपकी जो अपनी अंतरात्मा की जो लाइट है वो ही रास्ता दिखाएगी। उसकी आवाज़ को जरूर सुनिएगा शांत मन होकर कि क्या मुझको ये डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी, ये काम अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सफल हो जाएगा या मेरी पढ़ाई सफल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बस आपको डेस्टिनेशन मिला हुआ है, आप उसको प्राप्त करिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है कि क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट, जो पुराना जो कुछ भी हुआ आपके साथ पास्ट में उसको साफ कर दीजिए, जस्ट क्लियर इट, एंड जो प्रेजेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने माइंड को सेट करिए कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, और उसको हील करने, जो हमारा प्रेजेंट है ना वो खराब ना हो जाए,
उसकी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। जो पिछला हो गया उससे आपने ज्ञान ले लिया ना कि क्या है, एक्सपीरियंस ले लिया, यू हैव टेकन द एक्सपीरियंस फ्रॉम योर पास्ट, बट नाउ द यू हैव टू हील योर प्रेजेंट। जस्ट गो थ्रू थ्रू द योर प्रेजेंट एंड जस्ट सी दैट वॉट यू हैव टू डू इन द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट आपको क्या करना है एट प्रेजेंट, ये जरूरी है। नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है, यू आर चरिश्ड बाय द एंजल्स, दैट मीन्स एंजल्स आर जस्ट चरिश्ड का मीनिंग होता है कि आपको वो चरिश कर रहे हैं आपको, जैसे होता है ना कि पेट में खाना गया आपको एनर्जी मिल गई, बस वैसे ही एंजल्स आपको हीलिंग करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है सब बहुत पॉजिटिव रहेगा, उसको यूज़ करिए, उसका यूज़ अगर आप करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। इधर उधर की चीज़ों में, झगड़ों में इधर उधर पड़े रहेंगे, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी देखिएगा कि आपका अपनी अंतरात्मा को सुनिए और अपने ऑरा को हमेशा साफ रखिए, तो देखिएगा जो गाइडिंग एंजल्स हैं वो आपको ज़रूर से मदद करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्ड स्पेशली एंजल्स का आया हुआ है, सपोर्टिंग एंजल्स, गाइडिंग एंजल्स का। दैट मीन्स आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर कहीं सिचुएशन ख़राब भी होती है तो भी सब कुछ सुधरेगा यहाँ, ये आप खुद देखिएगा। और नेक्स्ट है, आप अपने जो आपकी जो अपनी हॉरिजॉन है, जो आपकी जो अपनी सीमाएँ हैं उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, थोड़ा सा बहुत बाउंडेशंस मत करिए अपने आसपास कि मुझे इतना ही करना है, मुझे इतना ही खाना है या मुझे इतना ही पढ़ना है, नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, फ्रेश होगा माइंड उससे। जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी, आपने एक अपना सिलेबस पढ़ा, उसके अलावा फैक्चुअल नॉलेज के लिए भी बुक्स चाहिए होती हैं। जैसे आपने घर में एक आप हाउसवाइफ हैं, आपने एक सीमित कर लिया कि मुझे इतना तक ही मुझे काम करना है, मुझे इतना तक ही केवल करना है, सीमित तो कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी आप देखें कि आपकी आपकी अपनी क्वालिटीज़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, थोड़ा सा और टाइम दीजिए अपने आप पे। नेक्स्ट है कि टेक अ रिस्क, इस वक्त अगर आप रिस्क लेंगे, खतरा मोड़ लेंगे और फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, नहीं मुझे ये करना है, रिस्क लेना होता है खतरा लेना कि आपको पता नहीं आप सफल होंगे या नहीं, बट यू हैव टू टेक द रिस्क, रिस्क लीजिए एंड जस्ट गो फॉरवर्ड, हो सकता है सफलता आपके हाथ में हो, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि रिस्क लीजिए, बिल्कुल लीजिए, उसके बाद सफलता आपके हाथ में है। सक्सेस इज इन योर हैंड इफ़ यू विल टेक द रिस्क एंड गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज ऑल इज पॉसिबल, अपने मन में ये ध्यान रखिए कि सब कुछ पॉसिबल है, हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए, क्योंकि अगर कार्ड आया है इसके साथ यहाँ पे, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि आपका काम, आपका एग्जाम, आप चाहे आपके घर का मैनेज करना, कहीं भी स्टैंड आउट आप करते हो, आपको सक्सेस मिल जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि आप अपने मन को पॉजिटिव रखें और हो सकता है कि हो जाए काम। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज था। अब मैं आपका लव मेट के साथ देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं लव मेट के साथ, क्या हीलिंग की जा सकती है रिश्तों में। जो यहाँ पे मैसेजेस हो रहे हैं एंजल्स की तरफ से, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त आपका फर्स्ट जो यहाँ पे शो हो रहा है, इस वक्त आपको अपने रिश्ते में गंभीरता लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि किसी तीसरे जने की एंट्री दिखा रहा है। जस्ट बी केयरफुल दैट यू शुड बी वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के मत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में चले जाएगा, कि एकदम से बैलेंस बना के चलिए और गंभीर रहिए। जैसे एक लॉयन होता है ना, रिश्ता गंभीर होता है, और गंभीरता के साथ रिश्ते को निभाइए, संभाल के रखिए। देखिएगा कोई जना तीसरा जना के इन्वॉल्व ना हो, ये भी आपको देखना है, तीसरा जना आपके खिलाफ कान ना भरे लव मेट के, ये भी आपको देखना है। और कोई ट्रुथ अनवील हो सकती है, दैट मीन्स कुछ असलियत सामने आ सकती है रिश्ते को लेकर के, ये लव मेट मुझे कितना प्यार करता है या क्या मुझको इतना चाहता है, क्या फीलिंग है, या कुछ के अलावा कोई और ट्रुथ है जो अनवील हो सकती है, बिल्कुल इस चीज़ को देखिएगा, गौर करिएगा। नेक्स्ट है, इस वक्त कुछ अगेन मिस्टीरियस थिंग शो कर रहा है, कुछ मिस्टीरियस थिंग्स हो सकती हैं। जस्ट कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप, आँख गड़ा के देखिए कौन जना क्या कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, और जस्ट कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप, ये स्पेशली कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। नेक्स्ट है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे कुछ लाइट दिखा रहा है आपके रिश्ते में, एक नई ऊर्जा का संचार, जस्ट दैट मीन्स सम न्यू लाइट इज कमिंग, सम न्यू एनर्जी की जो वाइब्स होती हैं वो दिखा रहा है रिश्तों में, और वो पॉजिटिव वाइब्स हैं, और जस्ट इट इज़ मे बी इट इज़ अ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द लव मेट एंड बिटवीन यू। सो जस्ट फॉलो द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स एंड द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।